पूर्णिया के कस्बा रेलवे स्टेशन परिसर में चलता फिरता अस्पताल लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन डीएम प्रदीप कुमार झा और एडीआरएम कटिहार डीएल मीना ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्णिया जिले में पहली बार लोगों को चलता फिरता अस्पताल लाइफलाइन एक्सप्रेस का लाभ मिलने जा रहा है। कस्बा स्टेशन पे लाइफलाइन एक्सप्रेस को अभी पार्क किया गया है। ये पूरे जिले के लिए और अन्य जिलों से भी जो लोग आएंगे उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इन्होंने जिस तरह से जानकारी दी है कि अलग अलग तरह की सुविधाएं हैं, उसके लिए अलग चिकित्सक आएंगे। और इसलिए मैंने बार बार कहा है कि मीडिया के बंधुओं के माध्यम से जितनी जानकारी लोगों के बीच में जा सके सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर चिकित्सक की सुविधा होगी, साथ में सर्जरीज भी कंडक्ट की जाएंगी, निःशुल्क चिकित्सा के साथ में निःशुल्क दवाएँ भी उपलब्ध हैं। और जो स्पेशलाइज सर्विसेज हैं, जिससे कि ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होंगी, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी होती है, वो सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड की जा रही है। और कैंसर डिटेक्शन और कैंसर अवेयरनेस का भी कार्यक्रम किया जाएगा। लाइफलाइन का जो डीएम साहब ने बताया है, हम लोगों का कल इतना रेलवे का ये फर्ज है कि जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या इम्पैक्ट इंडिया जो हमको जो भी सहयोग चाहेगा वो बेशक उनको देंगे। और हमारे भी यही ऐसा है कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले और जो लोग विशेष रूप से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अपना इलाज कराने की सुविधा मिले और सस्ते में, निःशुल्क बल्कि सस्ते में, फ्री में है तो उनको मिले, हम भी यही चाहेंगे और हमारी पूरा सहयोग दोनों सबके साथ रहेगा। इस मौके पर कटिहार रेलवे डिवीजन के एडीआरएम डीएल मीना, पूर्णिया आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ केजरीवाल, प्रशिक्षु आईएएस अनिल कुमार तथा कटिहार रेल डिवीजन के डीओएम वेंकना एवं इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के वरीय अधिकारी मौजूद थे। ऑर्थोपेडिक का, पोलियो का, मिर्गी रोग का, डेंटल का, कैंसर का, ये सारा ट्रीटमेंट लाइफलाइन एक्सप्रेस में उपलब्ध है। डॉक्टर्स आते हैं अच्छा हॉस्पिटल्स में से, बॉम्बे से, दिल्ली से, एम्स, पटना से आते हैं, लखनऊ, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से आते हैं, बहुत सारा अच्छा जगह से डॉक्टर्स आते हैं। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित लाइफलाइन एक्सप्रेस आरोग्य शिविर का लाभ 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक मरीजों को निःशुल्क मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पुण्या समित कुमार की रिपोर्ट।